नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की सिविक्स की चैप्टर नंबर 7, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यह क्लास 10th सिविक्स की आखिरी चैप्टर है जिसमें हम लोग जितने भी अभी तक पहले के 6 चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, उन सब का बेसिकली एक समरी टाइप ऑफ है ये चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इस चैप्टर में, समझने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इस चैप्टर को जितना क्रिस्टल फॉर्म में हम समझा सकते हैं उतना समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेसिकली हम लोग जितने भी अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, उसका हम लोग इसमें एक जिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने जो डेमोक्रेसी पे जो ज़्यादा फोकस किया तो उसके आउटकम्स पे हम लोग ज़्यादातर नज़र रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, और अगर पहले के अगर वीडियोज़ नहीं देखे, पहले के अगर चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ पिंड कमेंट में आपको अटैच्ड मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है वो किस तरह का है। मेनली इंडिया में वो है डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल बेसिकली, लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि डिक्टेटरशिप, है ना, जिसको तानाशाही कहा जाता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है, क्यूबा में है। क्यूबा के फिडल कैस्ट्रो जो थे वो बेसिकली एक डिक्टेटर है। आज के समय में जो नॉर्थ कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान, वो सब क्या है, डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। फिर अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है, जो बेसिकली जो अमीर इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो अगर गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको मेनली एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। फिर कम्युनिस्ट, जो मेनली जो मार्क्सिज्म से फॉलो बिलोंग करते हैं, या माओ जेडोंग, स्टालिन, व्लादिमिर लेनिन, इन सबको फॉलो करते हैं, उनके आइडियाज को फॉलो करते हैं, कार्ल मार्क्स के आइडियाज को, तो वो लोग कम्युनिस्ट है। जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो मैंने एक शॉर्ट भी डाला है जिसमें मैंने वर्ल्ड के जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है उनके बारे में बताया, आप वहाँ वो भी देख सकते हैं कम्युनिस्ट कंट्री के बारे में। फिर रिपब्लिक, रिपब्लिक जैसे कि हम लोग हैं, है ना, हमारे यहाँ पर रिपब्लिक है क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, जो हमारी प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट, तो द्रौपदी मुर्मू है, वो क्या है, तो बेसिकली कोई भी एक कॉमन इंडियन सिटीजन है ना, तो रिपब्लिक उसे ही कहा जाता है जिससे कोई भी एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन या कोई भी उस कंट्री का सिटीजन वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, उसको हम लोग रिपब्लिक बेसिकली कहते हैं। मोनार्की, जिसमें बेसिकली जिसमें राजा रानी का रूल होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर होली मोनार्की तो नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इवन भूटान, भूटान, नेपाल, ये सब क्या थे, पहले तो मोनार्की थे लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या डेमोक्रेटिक मोनार्की बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है कि प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में जस्टिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे। मेनली ये चैप्टर में हम लोग यही काम करेंगे कि फर्स्ट इज दैट प्रोमोशन ऑफ इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, है ना, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारे डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, है ना। तो ये सारे कहाँ होंगे, ये ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में होगा, जहां पर पीपल्स का रूल होगा वहां पर ही। डेमोक्रेसी में हर पीपल क्या है, इक्वल है कानून के सामने, बिफोर लॉ एवरीवन इज इक्वल, है ना, भले ही वो ऑन द पेपर हो या ना हो, लेकिन हम लोग इक्वालिटी, डेमोक्रेसी का मतलब यही है। फिर इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सबको इक्वल स्टेट अपॉर्चुनिटीज मिलता है ना, तो ऑब्वियसली सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्यों, क्योंकि इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। फिर प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं तो उसको आसानी से रिजॉल्व किया जाता है, एंड और इसको इट अलाउज द रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स, है ना, तो ये भी हम लोग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ऑन द पेपर तो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन जहां जहां जिस भी कंट्री में होता है वहां पर पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा होता है,
ठीक है, जैसे आप इस कार्टून में देख सकते हैं, ये कार्टून बहुत फेमस है। ये कौन है? तो बेसिकली जो कैरिकेचर, ये जो कार्टून बनाया है वो आर के लक्ष्मण है ना। तो आर के लक्ष्मण बताते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है ना। कोई कोई स्टेट को एक अपना अलग स्टेट का डिमांड करता है, किसी को लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट को डिवाइड किया गया, किसी का अलग डिमांड है, किसी का पानी का डिमांड है, कुछ लैंग्वेज इश्यू है, क्राइम से रिलेटेड। तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है, और स्पेशली जैसे इंडिया जैसे कंट्री में इतने सारे लोग हैं, इतने डाइवर्स पॉपुलेशन है, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत है हमारे में, है ना। तो इसीलिए हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उसे समझना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम लोग इस कार्टून में मेनली यही शो किया जा रहा है। और सिविक्स में मैं 100% बोल सकता हूँ कि बोर्ड में एक ऐसा नहीं, एक ऐसा कोई कार्टून दिया जाएगा जो आपके बुक में है। कोई भी पहले के 6 चैप्टर और इस चैप्टर से कोई भी दिया जा सकता है, और उस कार्टून को ही मेनली एक्सप्लेन करने से या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, जितना भी सिविक्स के बुक में कार्टून्स दिए गए हैं ये सारे, उन सबको पढ़ना जरूरी है, उनको सबको समझना जरूरी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ही होंगे, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज अ जस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, है ना। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरह से बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स, है ना। कैसे बहुत सारे आप कंट्रीज देखे होंगे जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, लोग खुश है वहाँ के गवर्नमेंट से, है ना। तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोगों के पास मौका आएगा और उस मौका को उसको तब्दील करना होगा, ठीक है, अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो ये पीपल का काम, ये सिटीजन्स का काम है। ठीक है, तो हमारे में बहुत अच्छा है कि डेमोक्रेसी है ना। तो और कौन कौन से कंट्रीज में ऐसे डेमोक्रेसी है आप इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, इस मैप में लगभग हर कंट्री ही अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, लेकिन आप इस मैप में देख सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज में कितना अमाउंट ऑफ डेमोक्रेसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो एकदम डार्क ग्रीन वाला रीजन है, उसमें 90 to 100% के आसपास डेमोक्रेसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है यहाँ पर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इन सब, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर एक आ जाता है जो डेमोक्रेसी है थोड़ा बहुत इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बाकी, जैसे यूएसए हो गया, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, अर्जेंटीना, ये सब जो है। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी किस टाइप का है? तो मेनली कहा जाता है, एक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक इंडेक्स आता है हर साल, तो उसमें कहा जाता है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी है। ऑब्वियसली इंडिया का पॉलिटिशियन इसको मानते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यही है। अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो सब कुछ सही है, लेकिन जब हकीकत में, प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में भी किस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है? तो फुल डेमोक्रेसी नहीं है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है। ठीक है, और भी सारे बहुत सारे हाइब्रिड रेजिम है, जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, इवन रशिया वगैरह में भी डेमोक्रेसी बहुत कम है। वहाँ पर मेनली क्या होता है, तो डिक्टेटरशिप ज़्यादा चलता है, मिलिट्री रूल ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा डार्क वाले रीजन है ना, जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, जहाँ पर डेमोक्रेसी का कुछ नामो निशान है। बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इधर में नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, फिर आपको इधर में दिख जाएगा क्यूबा दिख जाएगा, ठीक है, क्यूबा, ये सारे जो सूडान उदान, साउथ सूडान, ये सब कंट्रीज हैं, इवन सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब में भी एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप ही है। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक ही जो राजा रानी है, मोनार्की तो कहते हैं, लेकिन वो सब कुछ वही लोग चलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैप से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर किस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो अब हम लोग सारे इस पॉइंट्स जो हम लोग ने पढ़ा उसको डिसाइफर करेंगे और समझेंगे कि डेमोक्रेसी को सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जा रहा है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहना पता नहीं चल सकता, हर कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो एक बट ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? सबसे पहले रीजन रीजन जो है वो है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अकाउंटेबल भी है, रेस्पॉन्सिव भी है, लेजिटिमेट भी है।
ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर, है ना। हम लोग ने बचपन में पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, जो भी 18 साल से ऊपर है, चाहे कोई भी जेंडर के हो, कोई भी कास्ट से, कोई भी स्टेटस से बिलोंग करते हैं, सबके पास अधिकार है वोट देने का, है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कहा जाता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वहां पर सरकार जो बनी है, गवर्नमेंट जो बनी है, अपने हिसाब से बनी है, वो पब्लिक से पूछती नहीं है, पब्लिक का कोई रोल ही नहीं होता है, वो पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल ना ही अकाउंटेबल है ना। तो यही द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, है ना। तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी ऐसा होना चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो सिटीजन के लिए, रेस्पॉन्सिव हो, जो भी पब्लिक का नीड हो उसको फुलफिल कर सके, एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके, है ना। इन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल फॉर ईच डिसीजन दैट दे मेक, है ना। तो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, नेता जो भी होंगे अपने अपने क्षेत्र में, वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर उस क्षेत्र में कुछ भी हो जाता है तो हम लोग उस नेता को ही पकड़ते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग आज के टाइम में अगर कुछ भी हो रहा है, अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या इन्फ्लेशन है, कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग मेनली जो रूलिंग गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है, उसी को हम लोग पूछते हैं, है ना। तो इलेक्ट ये सब कहाँ मिलता है बेनिफिट? ये डेमोक्रेसी में। और अगर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपको पूछने का हक तक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सो द सिटीजन पार्टिसिपेट इन ईच एंड ऑल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इट मेक द रॉन्ग इफ दे मेक द रॉन्ग डिसीजन देन सिटीजंस डू नॉट इलेक्ट देम, है ना। अगर सही तरह से काम नहीं किया जाता है, तो ऑब्वियसली दूसरी बार जब इलेक्शन होगा तो हम लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं और वो हार जाते हैं। सो द गवर्नमेंट मस्ट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सिटीजन, है ना। तो गवर्नमेंट को अगर जीतना है, गवर्नमेंट को अपना सरकार बनाए रखना है, तो ऑब्वियसली जो पब्लिक के डिमांड्स हैं, नीड्स है, उसको फुलफिल करना होगा, उसको रिस्पॉन्सिव रहना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पर क्या होता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत फास्ट लिया जाता है ना, और वो पब्लिक पे थोप दिया जाता है, भले ही उस पब्लिक को पसंद ना हो। जैसे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का जो राजा है किम जोंग उन, जो भी है, वो अगर रोता है तो वो बोलता है कि सारे पब्लिक रोएंगे उस दिन, जब वो हंसेगा वो सबको बोलेगा हंसो, है ना। तो वहां पर कोई फ्रीडम नहीं है, वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, वहां पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। तो इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मेक अ डिसीजन वेरी फास्ट, जैसे मैं बता रहा था, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। जैसे ईरान में भी हो रहा था, जो लड़कियों का हिजाब का इशू था, ठीक है। तो वहां पर फेस बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, बहुत टाइम के लिए वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे पुलिस केसेस हुए, मोरल पुलिसिंग हुई, बहुत कुछ हुआ ईरान में, है ना। तो उसमें बैकलैश मिल सकता है, बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसमें बहुत टाइम लिया जाता है ना। एक नेगेटिव पॉइंट भी है, प्लस पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि टाइम लिया जाता है कि सारे प्रोसीजर्स जो है, प्रोटोकॉल्स को उसको फॉलो किया जाता है, सबसे पब्लिक से डिसीजन में हेल्प लिया जाता है कि ये सही होगा या नहीं होगा। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड द ऑल द प्रोसीजर्स, इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, है ना। क्योंकि हम लोग ने लोगों से पूछ कर गवर्नमेंट ने डिसीजन किया, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल भी होगा, इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो सो द कॉस्ट ऑफ टाइम द डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ द टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर है, लेकिन डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी कुछ हद तक तो रहती है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम नेशनल इश्यूज, सिक्योरिटी मैटर, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, आर्मी वर्मी से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, स्पेशली इंडिया में, लेकिन बाकी सब जगह में हम लोग ट्रांसपेरेंसी रहती है। वो कैसे? अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, सपोज आपके आसपास में, आप जानना चाहते हैं कब तक कंप्लीट होगा, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, तो आरटीआई फाइल कर सकते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 2005 में जो आया था, उसके तहत आप कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं गवर्नमेंट से, है ना। तो इफ यू वॉन्ट टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ द
एक्सपेक्टेड आउटकम्स यू वुड लुक फॉर फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन, है ना। आउटकम्स क्या देखेंगे हम लोग, कि कौन डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है रेगुलर इलेक्शन करवा रहा है कि नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, है ना। इलेक्शन से पहले डिबेट बहुत सारे होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जो भी डिमांड होगी, एंड द लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, जो मैं कह रहा था ट्रांसपेरेंसी की बात, है ना। तो ये सब जो आउटकम्स हैं, ये सब को मिलाकर ही हम लोग डेमोक्रेसी के आउटकम्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है मेनली वो करप्शन फ्री होते हैं, ठीक है। करप्शन तो होते हैं, थोड़े बहुत सब जगह ही हो रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज्यादातर देखा गया कि करप्शन कम होता है। लेकिन अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं पता होता है, तो वहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि डेमोक्रेसीज प्रेफर्ड कहाँ कहाँ प्रेफर किया जाता है। तो अगर इंडिया और आसपास के देश देखा जाए, साउथ एशिया मेनली, तो वहां पर अगर देखा जाएगा तो बांग्लादेश में 69% लोग प्रेफरेबल करते हैं कि डेमोक्रेसी रहे, इंडिया में 70% के आसपास है, नेपाल में 62%, पाकिस्तान बहुत शॉकिंग है 37%। तो पाकिस्तान को डेमोक्रेसी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब से वो आज़ाद हुआ है उसका 90% जो टेन्योर है वो मिलिट्री रूल रहा है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप ही रहा है, ठीक है। श्रीलंका इसमें इस मामले में बहुत आगे है कि 71% जो लोग हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। तो इस ऐसे टाइप ऑफ डेटा भी दिया जा सकता है, और इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि आप क्या इन्फर करते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली शुरू से ही मिलिट्री रूल रहा है, ठीक है। और इंडिया में श्रीलंका में शुरू से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है पाकिस्तान में मिलिट्री ही सब कुछ है, ठीक है। मिलिट्री जिसको वो लोग एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ देखभाल करती है, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल मैटर्स, कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करना, कहाँ क्या करना, सब कुछ उनकी मिलिट्री ही देखती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली मिलिट्री अपने हिसाब से, मिलिट्री का अंदर अगर पावर आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो जैसे तैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला जो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेशन में, ठीक है। तो इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसी एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, 1950 से 2000 के बीच में, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, ये बिल्कुल देखा गया है कि डिक्टेटरशिप में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डेमोक्रेसी में। हम लोग डेटा देखेंगे, आप सिंपली देख सकते हैं, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है लेकिन इंडिया है, बट चाइना का जो ग्रोथ रेट रहा है पिछले 50 सालों में बहुत बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि ये हम लोग को लगता होगा कि हाँ डिक्टेटरशिप भी कर लेते हैं फिर, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हो सकता है वो गलत काम करके कमा रहा हो, ठीक है। तो आपके पास जो चीज है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, तो ऑब्वियसली इंडिया पास डेमोक्रेसी है उसमें खुश रहना चाहिए। इन इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन कौन कौन से फैक्टर, कि कंट्रीज का पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज, इस सब पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है और चाइना का पॉपुलेशन, चलिए मान लेते हैं कि लगभग सेम है, लेकिन क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो वो लोग सारे जो फिनेंशियल मैटर है उन सब पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन रेट, वो लोग उनके जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, वो इंडियन पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहां पर तो कंट्रोल किया जा सकता है जबरदस्ती, ठीक है। वहां पर अगर आपको अगर नोट प्रिंट करने हैं तो अपने आप सब प्रिंट कर लो जितना चाहे, लेकिन इंडिया में ऐसा सिचुएशन नहीं है, इंडिया में मार्केट को देख कर किया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अगर उनमें डेवलपमेंट हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को उन पे वैसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका डेवलपमेंट हम लोग वही मॉडल फॉलो कर लें। जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि चाइना की टू चाइल्ड पॉलिसी थी, वो फेल कर गई, फिर वो वन चाइल्ड पॉलिसी लाए, फिर उनका
पॉपुलेशन इतना डिक्लाइन कर गया कि वो अगेन टू चाइल्ड पॉलिसी में चले गए, है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आप इस कार्टून से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स। तो इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था, उस रिपोर्ट का मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन कहा गया था कि इंडिया के जो 1% पॉपुलेशन है उसके पास, जो सबसे अमीर लोग हैं, 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ होल इंडिया, उसके उनके पास में 57% ऑफ इंडियाज जीडीपी का मतलब पैसा है टोटल, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन के पास में 57% ऑफ मनी है इंडिया का, ठीक है। तो इसीलिए आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो कार्टून है इसमें जो उसका अपर बॉडी है बहुत मस्कुलर, क्योंकि ये रिच है ना। फिर मिडिल क्लास ऑब्वियसली मिडिल में ही फंस गया, और पुअर जो है वो पुअर। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत बढ़ जा रहे हैं, गैप्स बहुत बढ़ जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, और ये जो गैप है और बढ़ चुका है ना। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ पर, जैसे ऑल डेमोक्रेटिक रेजिम्स में ग्रोथ रेट कितना है, तो 3.95 के पास, लेकिन डिक्टेटोरियल में क्या है, 4.42 है ना। तो पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप में 4.34 है, और अंडर डेमोक्रेसी 4.28 है। तो अगर कंपेयर किया जाएगा तो डिक्टेटरशिप वाले गवर्नमेंट में डेमोक्रेट्स, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी, वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो खुद सब कुछ मैनेज कर ले रहे हैं। वो आम पब्लिक को सहूलियत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर वो लोग सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा नहीं किया जा सकता है, या इंडिया या जो भी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं वो मार्केट डिसाइड करेगा कि इकोनॉमिक कैसी होगी, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो मैंने कहा कि अमीर और जो गरीब के बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ गया है, तो ये कौन ठीक कर सकता है, ये बेसिकली एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अनडेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि रशिया, रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसके पास इतना अनडिस्क्लोज्ड मनी है, इतना सारा पैसा है कि रशिया को पता भी नहीं है या बाकी कंट्रीज को पता भी नहीं है। हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं कि हाँ वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस, इंडिया में अंबानी है, लेकिन उसके पास इतना पैसा है कि पता ही नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। वो उसने तो एक न्यूक्लियर बंकर पूरा एक सिटी बना रखा है अपने आप को, कि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाएगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, अपने फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो क्यों कर पा रहा है? जो सी जिनपिंग है वो, उसके पास भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन क्या इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उतना पैसा है जितना उनके पास है? तो नहीं है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो डेमोक्रेसी से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। तो ऑल इंडिविजुअल्स विद इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, मैंने बोला है, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। जो मैं कह रहा था 1% ऑफ पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा पैसा अपने पास रखते हैं, नॉट ओनली देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, उनका इनकम तो इंक्रीज हो ही रहा है, और जो गैप है वो भी इंक्रीज हो रहा है। आप इसमें एग्जाम्पल में से देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज में कितना है। तो टॉप 20% जो है साउथ अफ्रीका में 64-65% के आसपास है, ब्राजील में 63, रशिया में 53%, यूएसए में 50% है टॉप 20% के पास में, और इंडिया का तो बहुत अलग ही था। मैंने बताया कि जस्ट 1% के पास में सारा 57% ऑफ द मनी है। तो सोचिए अब कितना डिस्पैरिटी है। लेकिन आप अगर वही डेनमार्क, हंगरी जैसे कंट्री में देखेंगे तो वहां पर लगभग ठीक है, ठीक है। तो ये जो डेनमार्क, छोटे कंट्रीज है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, वहां पर उतना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट नहीं रहता है, तो इसीलिए वो सब कंट्री कर लेते हैं। लेकिन जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा हो जाएंगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें रिडक्शन लाना है इनइक्वालिटी में, पॉवर्टी को हटाना है, तो डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। जैसे इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एक्चुअल लाइफ में सच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री में देख लीजिए इतने सालों से डेमोक्रेसी डिवाइड हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा। ऑब्वियसली अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है।
द पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। बट जो अमीर लोग हैं, जो वोट जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको पता है कि जो गरीबों का पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, और वही वोट करेंगे ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर वो वोट करेंगे तो वो जीत जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग जो पॉलिटिशियंस हो बेसिकली वो गरीबों को मेनली एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये फोटो भी बहुत जो है कार्टून बहुत वही शो कर रहा है कि जस्ट 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कितना सारा अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो अपने पास रखा है, तो कितना ज्यादा गैप है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है, ये वर्ल्ड वेल्थ ओन्ड बाई अ फ्यू। ठीक है, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी शो करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, आप जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग ने पढ़ा था श्रीलंका का इशू और बेल्जियम वाला इशू, है ना, तो बेल्जियम में सोशल डाइवर्सिटी को वो लोग एकोमोडेट कर लिए थे और आसानी से वो लोग कंट्री को स्टेबली रन कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका वैसा नहीं कर पाया था। सिन्हाला कम्युनिटी और जो तमिलियंस है उनके बीच में लड़ाई छिड़ गई थी, सिविल वॉर हो गया था, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गई थी, है ना। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है जहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट किया सकता है, अलग अलग कल्चर के लोग रह सकते हैं। जैसे इंडिया बेस्ट एग्जांपल, इंडिया में हर धर्म के लोग, हर रिलीजन के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई भी अपना रिलीजन आराम से प्रोफेस कर सकता है। हाँ, कुछ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसको ठीक है, उसको हम लोग नजरअंदाज करना पड़ेगा, लेकिन अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि रशिया में चल जाए, या आप चाइना में चल जाए, नॉर्थ कोरिया में चल जाए, जो उनका रिलीजन है वही फॉलो करना पड़ेगा, आप उनका रिलीजन नहीं फॉलो कर सकते हैं। जैसे चाइना में अगर कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद जो बनेगा वो उनके चाइनीज आर्किटेक्चरल फॉर्म में ही बनेगा, फिर चाइनीज कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, चाइनीज तरह के बाल काटने होंगे, ये सब क्या है, ये सोशल डाइवर्सिटी वो लोग इंक्लूड नहीं करते, फिर भी वहां पर दिखाया जाता है ऑन पेपर न्यूज चैनल्स पे इस पे कि वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, है ना। तो नो सोसाइटी कैन फुल्ली परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। हाँ, ये तो मैं जब बोल रहा था कि कुछ घटनाएं तो होती रहेंगी, ठीक है, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंस, है ना। तो हम लोग जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, है ना, कि सारे जो रिलीजन्स है, पूरा वर्ल्ड जो है एक वन विलेज है, सिंगल विलेज है, सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तो ये डेमोक्रेसी के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, अगर कोई तानाशाही करेगा या फिर कम्युनिज्म वाले जो कम्युनिस्ट लोग हैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, या फिर कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे अगर थोपा जाएगा, सुपीरियरिटी आएगी, तो ऑब्वियसली सोशल डाइवर्सिटी, उसका जो कंट्री का जो सोशल फैब्रिक होगा वो डिस्ट्रॉय होगा। सो एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस डिफाइंड इज डेफिनेटिव प्लस पॉइंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक रिजिम्स। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेमोक्रेसी में ही सॉल्व हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजोरिटी ओपिनियन, जो श्रीलंका में जो इशू हो रहा था। ठीक है, तो वहां पर मेजोरिटी में कौन थे, तो सिन्हाला था, तो उनको लगता था कि वो मेजोरिटी में है तो वो जो बोलेंगे वही करना होगा। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो द गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, है ना। तो माइनॉरिटी का जितना मेजोरिटी का इम्पोर्टेंस है, उतना माइनॉरिटी का भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है तो बाकी जो रिलीजन को है वो हम लोग छोड़ देते हैं, सारे रिलीजन्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, तभी जाके वो कंट्री सक्सेसफुली रन कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। पाकिस्तान का ले लीजिए, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लगभग 20% के आसपास वहां पर हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन आज पाकिस्तान में उसका डेटा ही नहीं है, हिंदू पॉपुलेशन या कोई भी जो सिख है, क्रिश्चियन है, उनका कोई डेटा ही पब्लिश नहीं करता है पाकिस्तान। तो सोच सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, या छोड़ के चले गए हैं, या मार दिया गया है। ठीक है, तो ये इसीलिए वैसे कंट्री स्टेबल भी नहीं रह पाते। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाई मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाई मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब लिंग्विस्टिक ग्रुप वाला आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जैसे अभी कनाडा वाला इशू है जहाँ पर
कर्नाटक में बहुत सारे आप वीडियोस देख सकते हैं वायरल हुए हैं, जहां पर लोगों को बाहरी जो लोग हैं दूसरे स्टेट्स के लोग हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि कनाडा में बात करने के लिए। ठीक है, तो ये करना बहुत गलत है। इससे जो लोग काम करना चाहते हैं कर्नाटक में वो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो सोशल फैब्रिक है कर्नाटक का या एक कंट्री का वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज द चांस ऑफ बीइंग मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। जो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में कहा था कि 1996 से हर माइनॉरिटी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, ऑब्वियसली तभी जाके तो स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट, है ना। फिर आप पांचवे पॉइंट पर आ जाते हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। तो ये कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में मिलेगा। अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिग्निटी फ्रीडम बोल के कोई चीज ही नहीं है। जो गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही चलना पड़ेगा, जो ड्रेस कोड होगा, जिस तरह से खाना पीना सब कुछ उनके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, किस तरह से बैठना है किस तरह से चलना है सब कुछ वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम द फेलो बींग्स, है ना। ये हर इंसान को रेस्पेक्ट चाहिए अपने फेलो बींग से, और जब रेस्पेक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि रेस्पेक्ट जब नहीं मिलता है तो उसके कारण लड़ाई हो जाती है ना, तो ऑफेंसिव हो जाते हैं लोग। तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वेमेन। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी। तो लॉन्ग स्ट्रगल फॉर वेमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टूवर्ड्स दैट रेस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू वेमेन आर नेसेसरी इनग्रेडियंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो कोई भी कंट्री अगर देखेंगे तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो तो फीमेल होती है ना। तो हम लोग फीमेल को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमारी मेल डोमिनेटेड कंट्री या मेल से ही चलेगा तो ऑब्वियसली हमारा कंट्री नहीं रन कर पाएगा। जैसा बेस्ट एग्जांपल है अफगानिस्तान, तो वहां पर फ्री जो फीमेल्स हैं उनको फ्रीडम ही नहीं है, अकेले बाहर निकल सकती है या फिर उनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, वो लोग शरिया लॉ फॉलो करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो दूर की बात, वो अलग ही टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो एक रिलीजन को मेनली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो अफगानिस्तान में ऑब्वियसली फीमेल होंगी ही, लेकिन फिर भी उनको राइट नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली वो कंट्री स्ट्रगल करेंगे ही। ठीक है, तो जैसे इस फोटो में देख सकते हैं रोजा पार्क वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर किसी फीमेल को अगर थोड़ी बहुत पावर पावर मिल जाती है, वो ऊंचे ओहदे पे बैठ जाती है, तो फिर बहुत सारे लोग जो होंगे उनको असहमति हो जाती है, उनको पसंद नहीं आता है कि फीमेल होकर कैसे आ जा कर सकती है काम। इवन आप गांव में भी देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फीमेल्स, उनको फ्रीडम नहीं है बहुत। आप देख सकते हैं बेस्ट एग्जांपल और भी है कि जो राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बहुत लड़ाइयों के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल प्रोटेस्ट के बाद फीमेल्स को राइट मिला कि वो भी वोट दे सकती है। नहीं तो पहले क्या था, मेल्स ही वोट दे पाते थे। ठीक है, तो ये मेनली एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। और न्यूजीलैंड पहला कंट्री बना था जो फीमेल्स को वोट देने का अधिकार दिया था। फिर न्यूजीलैंड को देखकर बाकी बाकी कंट्रीज भी वोट देने का अधिकार दिए थे। ठीक है, तो दिस द सेम इज ट्रू इन कास्ट इनइक्वालिटीज, स्पेशली इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ कास्ट है ना, तो उसमें कास्ट इनइक्वालिटीज की केसेस आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। ये आर्टिकल 16 अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 16 15 इन सब में सब कुछ बताया गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल स्टेटस, रिजर्वेशंस की बात की गई, कोटा की बात की गई है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सालों से पिछड़ा वर्ग थे, जो बहुत सालों से उनको अधिकार नहीं मिला था, डिसएडवांटेज थे, जिनको हरिजन अनटचेबल्स कहा जाता था, उनको मेनली इक्वल स्टेटस मिल सके। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज, और ये डेमोक्रेसी में ही होगा। ठीक है, व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर ओवर, है ना। कि डेमोक्रेसी में एग्जामिनेशन ओवर नहीं होगा, वो चलते जाते, एक टेस्ट खत्म तो दूसरा टेस्ट शुरू। ठीक है, जैसे लाइफ है कि हर मोड़ पे ही एग्जाम्स होते ही होते हैं, कि एक खत्म तो दूसरा शुरू। एज पीपल गेट बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वॉन्ट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। ठीक है, और कोई भी आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देख लेंगे कि कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है,
वो चाहता है कि और बेटरमेंट हो, थोड़ी बहुत अगर बेटरमेंट हो रही है, अगर रोड आपके घर के पास में 2 मीटर वाली बनी है तो आप बोलेंगे नहीं 2 मीटर से नहीं हो रहा है, 6 मीटर कर दीजिए, 8 मीटर कर दीजिए। तो सबको बेनिफिट बेटरमेंट चाहिए चाहिए। और यही फैक्ट जो है कि पीपल आर कंप्लेनिंग, इट सेल्फ अ टेस्टिमनी ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग ने बहुत देखा है डेमोक्रेसी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग जागरूकता आ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो इससे क्या होगा, ये एक सक्सेस है कि हाँ डेमोक्रेसी पहुंच रही है। ठीक है, अगर कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये हाँ डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होना सब आम बात है। आप कभी देखें कि नॉर्थ कोरिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी जो प्रोटेस्ट करेगा उसको गोली मार दिया जाएगा, है ना। तो प्रोटेस्ट करना, एजिटेट करना, ये अधिकार है ना। तो इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड हाई एंड द माइटी। तो अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिसेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट, है ना। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो आउटकम ये है कि लोग डेमोक्रेसी से उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है, वो चाहते हैं कि और बेटरमेंट हो, है ना। तो ये जो बेटरमेंट होने की जो चाह, वही एक डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट आउटकम है। सो इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू अ सिटीजन, है ना। जो अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर जो लोग हैं, आम इंसान है, वो एक जस्ट एक सब्जेक्ट है, एक मोहरा मोहरे के तरह है। बोलेंगे कुआं में कूदने तो कूद जाओ, ये खा लो खा लेंगे। लेकिन हमारे या कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल जो है वो एक सिटीजन है, ठीक है, उनका सब समान अधिकार है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो खिलौना नहीं है। तो ये एक डेमोक्रेसी का एक मेन मेन आउटकम है। तो हम लोग इसको समराइज करेंगे, सिनॉप्सिस अगर देख लेते कि आउटकम्स क्या है। तो डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली टॉक अबाउट मेजोरिटी ओपिनियंस, बट इट टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटी ओपिनियंस टू, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी बेस्टाउज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री एंड रिमेन्स द सेम अंटिल डेमोक्रेसी लाइज विद इन द कंट्री, है ना। सबको समान अधिकार, सबको काम करने का अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कास्ट अलग ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है ना उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी ऑल्सो डिस्कसेस ट्रांसपेरेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी रहना कोई भी कंट्री में, सो दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इंश्योर दैट राइट ऑफ ईच सिटीजन टू गेट ऑल इंफॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये मेनली हम लोग ने देखा कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, ठीक है, फिर डिग्निटी, फ्रीडम, ये सब जो टर्म्स है ना, सॉवरेंटी, ये सब टर्म्स मेनली हम लोग डेमोक्रेसी में ही अचीव कर सकते हैं, बाकी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो वन ऑफ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं, लेकिन उस लूप होल्स को हम लोग अवेयरनेस लाकर, अब बात कर, पढ़ कर, समझ कर ही हम लोग इस लूप होल्स को भर सकते हैं और बेटर से हम लोग बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। और एक और भी पॉइंट आपको बताना भूल गया कि डेमोक्रेसी ऑल्सो इंश्योर दैट स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ वोमेन बाई गिविंग रिजर्वेशन इन द एंटायर फील्ड। अभी रिसेंटली क्या आ गया है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, और बहुत सालों से चल भी आ रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, 33% सीट्स तो है ही। ये सारे मेनली आउटकम्स थे, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन अगर आते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज के बारे में, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और जो जो मैंने पॉइंट्स बताया वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जितने भी कार्टून डायग्राम्स हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सारे ही चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जो जिसमें हम लोग सिविक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है, अलग अलग टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है, सजेशन हो तो कमेंट में दे सकते हैं। शेयर जितना से ज़्यादा दोस्तों के बीच करेंगे उतना ही अच्छा है, एंड सब्सक्राइब
जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।